4 मई 2019 को रायसेन जिले के खुकारिया गांव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण होता है। लड़की के पापा उमरावगंज थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं। शिकायत के बाद पुलिस जागती है और विदिशा के हरिपुरा निवासी संतोष नामदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आपको लगा होगा कि इस स्टोरी में नया क्या है, ऐसी तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस स्टोरी में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ ऐसा है जो आज से पहले आपने नहीं सुना है। कैसे नया है चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानव, आप देख रहे हैं जनता शो। असल में नाबालिग लड़की का किडनैप करने के बाद आरोपी पीड़िता के पिता को फोन करता है और बताता है कि वो और पीड़िता यानी वो लड़की पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन रहे हैं। आरोपी फोन पर ही लड़की के पापा को कहता है कि भगवान ने सपने में आकर कहा कि उन दोनों की शादी बेहद जरूरी है, इसलिए उसने लड़की को अगवा किया है। अब सवाल यह है कि 25 साल का आरोपी संतोष नामदार बच्ची के घर तक कैसे पहुंचता है और कैसे बच्ची को अगवा करता है। उमरावगंज थाना प्रभारी शाहनवाज खान के मुताबिक आरोपी संतोष ने नाबालिग बच्ची के मामा की पत्नी को अपनी मुंहबोली बहन बनाया हुआ था। अब बहन बना रखा था तो इसी चक्कर में संतोष नामदार का पीड़िता के घर अक्सर आना जाना होता था। बच्ची के साथ गलत काम करने वाला संतोष खुद को भगवान भोलेनाथ का भक्त बताता है। उसने अपने गले और हाथ पर नाक का टैटू बनवाया हुआ है। आरोपी संतोष नामदार एक दिन अकेला ही उमरावगंज थाने के खुकारिया गांव जा पहुंचता है। बच्ची के घर चूंकि वो कई बार पहले भी आ चुका था, इसलिए वहां उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान बन गई थी। बस इसी का फायदा संतोष नामदार ने उठा लिया। उसने नाबालिग लड़की के पापा से कहा कि वो उसे बच्ची को यानी मामा के यहाँ लेके जा रहा है और जल्द ही उसे वापस छोड़ जाएगा। घरवालों ने सोचा कि संतोष लड़की को उसके मामा के यहाँ ही तो लेकर जा रहा है, इसलिए उन्होंने संतोष पर भरोसा किया और लड़की को ले जाने की परमिशन दे दी, अनुमति दे दी। कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। किशोरी के पापा ने जब लड़की के मामा को फोन लगाकर पूछा तो पता लगा कि वहाँ संतोष नामदार पहुँचा ही नहीं है। इसके बाद पीड़िता के पिता को चिंता हुई। उसने आरोपी संतोष नामदार को फोन लगाया। आरोपी ने फोन पर अपने और नाबालिग किशोरी के पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग और नागिन होने की बात कही। साथ ही कहा कि भगवान ने उसे सपने में आकर कहा है कि दोनों की शादी जरूरी है, इसलिए उसने लड़की का किडनैप कर लिया है। ये कहते हुए संतोष नामदार ने अपना फोन बंद कर लिया। इसके बाद परेशान पीड़िता के पिता ने उमरावगंज थाने में बेटी के किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को पता चला कि आरोपी हरिपुरा विदिशा में रह रहा है, यानी मध्य प्रदेश में वो जगह पड़ती है। उसके बाद पुलिस ने 19 नवंबर को वहां पहुंचकर आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को उसके पापा के पास वापस भेज दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि संतोष नामदार ने उसे बासोदा विदिशा की राजपूत कॉलोनी समेत कई जगहों पर रखा और वहां उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी संतोष नामदार एक ही तरह की 3 घटनाएं कर चुका है। साल 2013 में उसके खिलाफ रायसेन कोतवाली थाने में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। साल 2016 में भी विदिशा कोतवाली थाने में उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। और अब तीसरी घटना ये उसने की है, यानी 4 मई 2019 को उमरावगंज थाने में उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस का कहना है कि वो इस आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रयास करेगी। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप सजेशन दे सकते हैं। वीडियो YouTube पर देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देखें तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत है, कहीं आप सुधार चाहते हैं तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। कैमरे के पीछे थे मोंटू और मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।